हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज में, जेंट्स में, हाफ स्वेटर में या फुल स्वेटर में। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से बन गया था फ्रेंड्स, से 8 रो का डिज़ाइन है और बैक साइड इसका इस तरह से बन के आता है। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद 6 रो तक हमने सीधी सीधी सिलाई बनानी है। बैक साइड से भी सीधी बनेगी और आगे से भी सीधी बनेगी। तो यहाँ पर 2 रो मैं बना चुकी हूँ, 4 रो और बनाते हैं। ये 3री रो डिज़ाइन की। पूरी रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये 3री रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4थी रो रॉन्ग साइड पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। चौथी रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की। 5वीं रो राइट साइड, इसमें भी हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन की 6री रो बैक साइड पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। छठी रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। छह रो तक हमने सीधा सीधा करके बनाना है और 7वीं रो में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पर अभी तक हमने सीधा बनाया, इसको भी फर्स्ट है, इसको हम सीधा बना लेंगे। इसको सीधा बनाने के बाद यहाँ पर 2 फंदे हैं, 1-2 फंदे उल्टे हैं, इसके बीच से हमने 3 सिलाई नीचे इधर से हमने फंदे लेने हैं। फंदे लेके एक बार हम ऐसे फंदे ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। यहाँ फिर 1-2 फंदा उल्टे उल्टा है, ये 2 फंदा जो उल्टा फंदा है इनके बीचों बीच 1-2 तीसरे होल से हम सिलाई डाल के इस तरह से धागा ले लेंगे 3रे होल से, और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। एक दो फंदा उल्टा इन दोनों के
साइड में ये जो तीसरा होल दिख रहा है ये इधर से सिलाई से इस तरह से हम धागा लेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये तीसरी सिलाई, ये तीसरी सिलाई नीचे इस तरह से धागा लेके इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। पूरी रो में हमने यही रिपीट करना है। तीसरी होल से लेके पहले हम तीसरी होल से नीचे इस तरह से धागा लेके अब इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। दो फंदों के बाद इस साइड से एक दो तीसरा होल, तीसरे होल से हमने इस तरह से धागा लेना है। इस तरह से धागा लेना है फिर इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेना है। इस तरह से हम फंदा लेंगे और इधर हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये दिख रहा है इधर हम इधर से लेंगे, ये तीसरा फंदा है। इस तरह से लेके इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। साइड वाला है इसको हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से आठवीं रो। अब आठवीं रो में आते हैं। आठवीं रो में हमने करना क्या है, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और ये जो जोड़ा है इसको भी, जो साइड वाला है इसको भी हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा को आगे की तरफ रखेंगे। अब इसको हम इसके साथ मिला के सीधा बनाएंगे बैक साइड। आठवीं रो इस तरह से सीधा बनाया और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा है, इसको इसके साथ लेके पहले हम इस तरह से लेना है इसके बीच से, फिर इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इन दोनों फंदों के बीच से हमने सिलाई डाल के इस तरह से धागा लेके दो फंदों का बैक साइड से एक फंदा बना लेंगे। पूरी रो में हमने यही रिपीट करना है। इस तरह से फंदा लेके दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने फंदा लेना है फिर इसको दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इनको हम सीधा ही बना लेंगे, दो फंदे बचे हैं तो इसको हम सीधा ही बना लेंगे। आठवीं रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से। उसके बाद हमने यही आठ सिलाई हम बार बार रिपीट करेंगे तो पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से आएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।